तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल आपने देख लिया ना, बहुत ही मज़ेदार रेस होने वाली है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक नेकेड स्पोर्ट्स है। दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा अंतर है पावर को लेके, एंड प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा अंतर है। एंड बहुत लोग यहाँ बोल रहे होंगे दोनों का कोई तुक नहीं बनता, बट दोनों 200 cc की थी तो हमने कहा क्यों ना इनकी एक परफॉर्मेंस टेस्ट की जाए हाईवे में, एंड वही चीज़ आपके लिए लेके आए हैं। बहुत लोग ने मेरे से कहा भी था करने के लिए, तो मैं ले आया। एंड अपाचे कितने लोगों को अच्छी लगती है, एंड RC 200 कितने लोगों को अच्छी लगती है, कमेंट ज़रूर करके बताइए। एंड चलिए बात करते हैं थोड़े इन्फॉर्मेशन की। बैक टू बैक मैंने RTR की बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, अगर आप लोग नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके चैनल में। तो चलिए इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे। तो RC 200 जो आती है वो आती है 2,09,000 की, एंड अपाचे जो आती है वो आती है 1,35,000 से लेके 1,40,000 तक की, क्योंकि उसमें 3-4 वेरियंट है, डिस्क एंड डबल डिस्क। तो ये आप जाके नियर बाई शोरूम में पता कर सकते हैं। ये एक शोरूम लखनऊ का प्राइस है। चलिए पावर की बात कर लेते हैं। पावर ऑन पेपर क्या मिलता है दोनों में? अगर मैं RC की बात करूं, वहां पे 25 PS की पावर मिलती है और 19.2 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर मैं अपाचे की बात करूं, उसमें 3 मोड हैं। तो स्पोर्ट्स मोड का मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्पोर्ट्स मोड में सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, वो मिलती है 20.82 PS की पावर और 17.25 Nm का टॉर्क, जो कि कम है अगर मैं कंपेयर करता हूँ RC 200 से, क्योंकि RC 200 में पावर ज़्यादा है। ऑन पेपर तो यही दिखा रहा है, बट परफॉर्मेंस में क्या रिजल्ट निकल के आता है वो आपको हम रोड में दिखाएंगे। बहुत ड्रामेटिक होने वाला है चीज़ें, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे सीधे परफॉर्मेंस में। हाँ तो गाइस, अभी क्या है ना, अभी हमने ये भगाई है, ज़्यादा नहीं भागी है, तो इसको हमने सोचा है क्यों ना RTR 200 VS6 की जाए दोनों की एक परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आज हम ये दोनों बाइक लेके आए हैं आपके साथ में, हैं शुभम और कुंदन। और ये बहुत ही बढ़िया रोड है, आगरा एक्सप्रेस वे, और हम यही आपको हिदायत देंगे, ये सब चीज़ें ट्राई मत करिए। बाकी डिटेल मैं आपको इंट्रो में दे चुका हूँ। चलते हैं, ड्रैग करते हैं और बताते हैं आपको बाइक कैसी है चलने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग RC और अपाचे की। ओ भाई पावर, गजब पावर है भाई इसमें इनिशियल। तो मैंने इनको थोड़ा सा मौका दिया जाने के लिए, अब मैं फिर इनिशियल में आ गया, लेकिन टॉप एंड में नहीं जीत पाएगी क्योंकि स्पीडो एरर बहुत है। जीतना मुश्किल है। लेट्स सी, देखते हैं। वो देख निकलता जा रहा है, जबकि 133 पे आता है उसका लिमिटर। और ये 144 पे है, और ये निकल गया मैं 145 भागी पहली बार। यस, और धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है, और ये निकल गया आगे। ओए यार, ये हो गया रहा यार, आज की सारी रेसेस ऐसी ही हो रही है। वो निकल गया बहुत तेजी से। कोई फायदा नहीं है। अबे रोड ही खत्म हो गई, आगे निकल जाता मैं। हाँ, 147 हाईएस्ट अचीवमेंट स्पीड मिली है मुझे पहली बार 147 भागी है, और जबकि ये 133 पे इसका लिमिटर आता है, उसके बाद भी वो उतनी पीछे है। आप लोग समझ लो स्पीडो एरर कितना ज्यादा है। कह रहा हूं, वेट भी अब कम हो गया। हाँ, वेट कम हो गया। इसको तो निकलना ही था।
लिमिटर लिमिटर अरे भाई देखो स्लिप स्लिपिंग से 148 भी चली गई। बिना स्लिप स्विमिंग के नहीं जीत सकती है। तो आप लोग के पास रिजल्ट है और हमारे पास भी रिजल्ट है और थोड़ा सा फायदा मिल गया। देखिए लो वेट से ये 148 तक भाग गई। वो देखो 148 अचीवमेंट, अभी आया था 147 अचीवमेंट। तो यहाँ पे रिजल्ट मैं आप लोग बता देता हूँ कि अगर आपका पावर टू वेट रेशियो थोड़ा कम है, मतलब वेट कम है, तो थोड़ा सा अच्छा आप टॉप एंड अचीव कर सकते हो। बट यहाँ पे जो साफ साफ विनर है वो जो है, साफ साफ तो नहीं कहूँगा, ऑन एंड ऑफ टाइप का समझ लो, आरसी जीतती है। लेकिन अगर स्लिप स्ट्रीमिंग करेंगे तो अपाचे जीत जाएगी, जीतेगी नहीं, मतलब हेड टू हेड रहेगी। तो मिलते हैं सीधे स्टूडियो में, बताते हैं आपको कंक्लूजन कौन सी बाइक अच्छी रहेगी। बाकी इसने तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस आप लोग ने देख ली, बहुत ही ड्रामेटिक थी, मतलब मज़ेदार थी। कभी आरसी कभी अपाचे, मतलब मजाक चल रहा था भाई, गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे क्या है ना भाई, मज़ा आई है बहुत ज़्यादा हम लोग को, मतलब ड्रैग करने में तो ऑब्वियस ही बात है मज़ा आती है। एंड होप आप लोग को भी मज़ा आ रही हो, आप लोग देख रहे थे तो, मतलब मैं तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत लोग यहाँ पे गाली भी देंगे, क्या मतलब था आपकी आरसी भाग नहीं पाई, आपका ये फलाना ढिमकाना, मतलब क्या ही बोले भाई। इसलिए मैं कमेंट में रिप्लाई जल्दी नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत फालतू लोग, मतलब कुछ काम कर लो भाई, है ना, ये सब कमेंटबाजी करते हो, क्या मज़ा आती है। अच्छे कमेंट वालों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, थैंक यू, आप लोग का लव एंड सपोर्ट है मेरे साथ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। चाहे जहाँ तक भी पहुँचा हूँ आप ही लोग की बदौलत हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की। अगर आप लोग ने देखा होगा कि आरसी क्यों हार रही थी इससे, भाई ये जो बाइक लेके आए थे इसमें कुछ अलग ही मतलब टाइप का लिमिटर मिल गया हम लोग को, 133-134 में लिमिटर मिल रहा था। एंड इससे पहले जब मैंने रेसिंग की थी BS6 से, तो उसमें जो लिमिटर आया था 142 आया था। एंड जो BS4 आती है उसमें 138 में लिमिटर आता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया इस बाइक में ऐसा क्या हो गया, क्यों लिमिटर इतना कम है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब BS6 लाई थी उसका लिमिटर बढ़ गया था, 143 तक जा रही थी। तो भाई मेरे परे से, मतलब मेरे समझ से बाहर था, बट हम लोग ने ड्रैग किया और हम लोग ने मस्ती की, आप लोग को रिजल्ट भी दिख गया। तो KTM RC का कुछ मतलब, किसी बाइक में लिमिटर कम है किसी में ज़्यादा है, क्या है ये सीन पता नहीं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, हमने कोशिश तो पूरी की है, मेहनत पूरी की है बनाने की कि अच्छी बन जाए, और शायद बन भी गई हो। लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा अगर बहुत अच्छी लगती है। ऐसी रेसेस मैं लेके आता रहूँगा, आप लोग बोर हो रहे हो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम लोग एक ही जैसे वीडियो बना रहे हैं। तो अभी क्या होता है ना भाई, बाइक हर समय नहीं मिल पाती है, जैसी कुछ बढ़िया बाइक्स मिलेंगी मैं आप लोग के लिए वो परफॉर्मेंस टेस्ट ज़रूर लेके आऊँगा, एंड रिव्यू भी लेके आऊँगा नई नई बाइकों का। स्टे ट्यून, मतलब सपोर्ट करते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो काम होता रहेगा। चलते हैं, कंक्लूजन यही है कि भाई जिसको जो पसंद है लो, सारी बाइक बढ़िया है, ठीक है, कंक्लूजन यही है हमेशा की तरह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए और सेफ रहिए। बाय बाय।